जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 2 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाली इतिहास की साप्ताहिक परीक्षा में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो आपके विकल्प दे रखे हैं हिटलर, नेपोलियन, समुद्रगुप्त, बिस्मार्क। बिल्कुल बच्चा, हम लोग 16 प्रश्न को करेंगे जिस तरह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, साप्ताहिक परीक्षा में पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा खा, नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता था। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है, मेघस्थनिज भारत किसके दरबार में आया था? विकल्प दे रखा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या पुष्यमित्र शुंग। जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बच्चा इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मेघस्थनिज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बात करें मेघस्थनिज की तो इसकी पुस्तक का आपको नाम याद रखना है, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है मेघस्थनिज की पुस्तक, तो इंडिका आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं बिंबिसार, उदयीन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। जल्दी से आप सभी बताइएगा किसका जो स्थापना है किसने की, पाटलिपुत्र जिसे अभी पटना के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजधानी। ठीक है बच्चा, तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 का विकल्प खा, उदयीन को पाटलिपुत्र का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? विकल्प दे रखा है गुप्त काल, मौर्य काल, अंग्रेजों का काल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प का, गुप्त काल। 320 ईस्वी से लेकर 510 तक यहाँ पे ये चलता है। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान कौन होता था? विकल्प दे रखा है कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष। जल्दी से बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है। बिल्कुल सही, जिसने भी बच्चों ने घा विकल्प बोला है, लक्षणाध्यक्ष, उन सभी का उत्तर सही है। मौर्य काल के टकसाल का प्रधान लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रखा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, वाल्मीकि, वेदव्यास या मनु। जल्दी से आप सभी को बताना है। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसमें चाणक्य तो है ही नहीं, तो बच्चा आप सभी को पता होना चाहिए कि चाणक्य के 8 नाम हैं, जिसमें से विष्णुगुप्त, चाणक्य, वारणाक, मूल, मल्लनाग इत्यादि हैं। तो यहाँ पे विष्णुगुप्त है, आपको विष्णुगुप्त में याद पे सही लगा देना है। इसके अलावा चाणक्य रहता तो आप उसमें भी लगा सकते थे। प्रश्न संख्या 7 आप सभी से पूछा गया है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विकल्प दे रखा है बांग्लादेश, भारत, वर्मा, पाकिस्तान। जल्दी से आपको बताना है पाकिस्तान, वर्मा, भारत या बांग्लादेश। सही विकल्प होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील की दूरी में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही विकल्प होगा खा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक यानी 3 पिटक हैं, इसमें आपको याद रखना है विनय पिटक, श्रुत पिटक और अभिधम पिटक। इसमें 17 ग्रंथों का समावेश है। कितने ग्रंथों का बच्चा, 17 ग्रंथों का इसमें समावेश है। प्रश्न संख्या 9, स्तूप संबंधित है, स्तूप किससे संबंधित है, जैन, बौद्ध, सिख या हिंदू? तो स्तूप भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, अशोक से ये ज़्यादा रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसका आप याद रखिएगा, VVIV करते चलिएगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, कालिदास, अश्वघोष, पान भट्ट या चाणक्य। सही विकल्प होगा यहाँ पे
अश्वघोष, कालिदास को तो अभिगान, शाकुंतलम है ना, रघुवंशम इत्यादि था। चाणक्य हमने अभी देखा, अर्थशास्त्र। मेघस्थनीज कौन था, यात्री, व्यापारी, राजदूत या गुलाम? इस बच्चे में, इस प्रश्न में कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या फिर वह गुलाम था। तो बच्चा वह राजदूत था। मेघस्थनीज कौन था, राजदूत था। पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रश्न संख्या 12, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीले के रूप में विख्यात है? बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा, मृतकों का टीला, चान्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगन। सही विकल्प यहाँ पे आप सभी का होगा खा, मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है। प्रश्न संख्या 13, नवरत्न किस दरबार, किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा, क, ख, ग या घ। सही विकल्प होगा घ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा, तो सही विकल्प होगा यहाँ पे महावीर स्वामी। आदिनाथ प्रथम थे, तेईसवें ऋषभदेव थे, सॉरी यहाँ पे आप तेईसवें पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से आपको याद रखना है यहाँ पे कई चीज़ें। इनका जन्म पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में, और इन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेशों को दिया था। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। बात की जाए यहाँ पे महावीर स्वामी की, तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। और यहीं पे आपसे पूछा था कि गौतम बुद्ध ने किस में दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया था। किस में, पाली भाषा। गौतम बुद्ध पाली भाषा और महावीर स्वामी प्राकृत भाषा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? जल्दी से बताइएगा उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया, बिहार में है गया, बोधगया के नाम से यहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 16वां प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें आप कई चीज़ें याद रखिएगा, पहले हम बुद्ध से संबंधित कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। मृत्यु कितने में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुई थी। इनके पिताजी का नाम सुदोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोदा, बच्चे का नाम राहुल था। और मैंने आपको अभी बताया है कि इन्होंने अपने उपदेशों को पाली भाषा में दिया है। कौन से भाषा में, पाली भाषा में। प्रश्न संख्या 16, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, पावा में, कुंडल वन में या सारनाथ में? तो पावा पुरी में 468 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो बच्चों यह था सेट 1। इसी तरह हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आपके बताइए 16 में से कितने प्रश्न के उत्तर सही हुए। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।